हे वाईटी फैंस की हलचल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज है दिन 31 अक्टूबर 2020 और देश सेलिब्रेट कर रहा है हमारे देश के सरदार पटेल जी की 146वीं बर्थ एनिवर्सरी। और इसी के साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की सबसे फेमस और अवेटिंग सर्विस सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन कर रहे हैं। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर अहमदाबाद से लेकर के केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ये दूरी आपकी लगभग होगी 200 किलोमीटर, जो 45 मिनट के अंदर कवर कर ली जाएगी। टिकट के प्राइस की बात करें तो लगभग 4800 रुपए के आसपास होने वाला है। और इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए स्पाइस जेट कंपनी ने सी प्लेन को लीज पर लिया है, जो लगभग आपको दिन में 4 अराइवल और 4 डिपार्चर की सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो आप भी अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना चाहते हैं तो आप इस सर्विस को आज के बाद बुक करवा सकते हैं। आप इसके अंदर 12 यात्री एक बार में बैठ करके जा सकते हैं। और दोस्तों आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि सी प्लेन सर्विस और एक्चुअल प्लेन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों के बारे में अगर आप डिफरेंस जानना चाहते हैं तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। इसके साथ साथ कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा, बने रहिए वाईटी भारत चैनल पर लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। हाँ दोस्तों, अगर आपने वाईटी भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, नीचे रेड बटन आ रहा है क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, घंटे को दबाओ, ऑल को सेलेक्ट करो ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, ना अच्छा लगे तो कमेंट करके डिसलाइक कर देना। और अगर कोई भी इस सी प्लेन सर्विस का फायदा उठाना चाहता है, गुजरात जाना चाहता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, तो इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दो। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन में और सबसे पहले आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। दोस्तों इस सी प्लेन के लिए साबरमती रिवर फ्रंट पर एक रनवे बनाया गया है। जब आपका सी प्लेन स्टार्ट करता है तो थोड़ी देर अपनी डायरेक्शन को रनवे की तरफ ले जाता है और उसके बाद ये फ्लाइंग करता है। इसके साथ साथ इस रनवे के चारों तरफ बहुत सारे क्रोकोडाइल्स इससे पहले हुआ करते थे, उन सब क्रोकोडाइल्स को यहां से हटाया गया और इस पूरे एरिया को बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक बनाया गया। और अब सी प्लेन जो है वो अपनी सर्विस को स्टार्ट करने जा रहा है। 1 नवंबर से आप ये सी प्लेन की सर्विस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टार्ट हो जाएगी। आइए जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एयरप्लेन एंड सी प्लेन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है जिसे आप एयरप्लेन में बैठते हैं और सी प्लेन जिसकी बात मैं कर रहा हूं उसमें क्या डिफरेंस होता है, आपको बता देते हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन एयरप्लेन एंड सी प्लेन इज बिटवीन देयर मेथड्स एंड कैपेसिटी ऑफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग। दोनों की कैपेसिटी में और दोनों के मेथड में, टेक ऑफ और लैंडिंग के दोनों में अंतर होता है। एंड एयरप्लेन टेक ऑफ एंड लैंडिंग इज फ्रॉम लैंड, जो भी एयरप्लेन होता है वो लैंड से टेक ऑफ लैंडिंग करता है, और जबकि सी प्लेन जो होता है वो टेक ऑफ और लैंडिंग करता है किसी लार्ज वाटर बॉडी से, जैसे सी हो गया, रिवर हो गया और लेक हो गया। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। द मेजर टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन एयरप्लेन एंड सी प्लेन इज ड्यूरिंग देयर टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑपरेशन, द फॉर्मर गेट्स द असिस्टेंस ऑफ अ कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम व्हाइल द लैटर हैज अ मैनुअल सिस्टम फॉर द ऑपरेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपकी, द सी प्लेन फ्लाइज एट अ वेरी लो हाइट। सी प्लेन बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ता है और जो एयरप्लेन होता है वो बहुत ही एक अच्छी खासी हाइट पर उड़ता है। ये दोनों में मेन अंतर होता है। इस टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑपरेशन डिमांड मोर स्किल्स। अगर सी प्लेन की बात करें तो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए ज्यादा स्किल्स चाहिए पायलट के साइड पर, और जो हमारा एयरप्लेन होता है उसमें इतने ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टफ इसलिए होता है सी प्लेन को उतारना क्योंकि वाटर बॉडीज इतनी ज्यादा अप डाउन होती रहती हैं कि वहां पर स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए वहां पर सी प्लेन को उतारना टफ हो जाता है एज कंपेयर टू द एयरप्लेन। तो ये डिफरेंसेस थे जो मैंने बताने की कोशिश करी आपकी थोड़ी सी एयरप्लेन और सी प्लेन के बारे में। दोस्तों इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वाईटी भारत चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना, ऑल को सेलेक्ट करना, वीडियो अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना और हमेशा वाईटी भारत चैनल पर बने रहना। मिलते हैं इसी तरह के अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।